नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज, मैं पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दबंगों के सामने पुलिस हुई नाकाम, पीड़ित ने खटखटाया उच्च अधिकारियों का दरवाजा। गोंडा जनपद गोंडा अंतर्गत थाना कौड़िया बाजार के पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक दिख रही है। पीड़ित को जब न्याय से आशा उठ गया तब वह उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गया। मामला जनपद गोंडा के थाना कौड़िया अंतर्गत मजरे गुदगुदियापुर का है, जहां पर दिनांक 31/3/2020 को अखिलेश कुमार मिश्रा पुत्र ओंकार नाथ मिश्रा निवासी गुदगुदियापुर थाना कौड़िया बाजार जिला गोंडा, जो कि अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे का दवा लाने कौड़िया बाजार जा रहा था। जैसे ही गांव के बाहर खड़ंजा पर पहुंचा ही था कि तब तक अचानक दो लोग आ धमके तथा अखिलेश मिश्रा को बगैर कुछ बताए ही अखिलेश को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिए तथा लात घूंसा से मारना भी शुरू कर दिए, जिससे हतोत्साहित होकर अखिलेश मिश्रा के बच्चे सड़क पर गिर गए। मारने वाले युवक गांव के ही सुशील पाठक व सुधीर पाठक पुत्रगण सुभाष पाठक से पूछा क्यों मारपीट कर रहे हो, जिस पर सुशील पाठक ने कहा तुम अपना घर खेत सब हमारे नाम लिख कर घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी सुधीर पाठक द्वारा अखिलेश मिश्रा के मुंह में किसी धारदार औजार से वार कर दिया गया, जिससे अखिलेश मिश्रा का मुंह का जबड़ा फट गया तथा अखिलेश वहीं पर बेहोश हो गया। अखिलेश को बेहोशी के हालत में देखकर उसकी पत्नी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिसे सुशील पाठक व सुधीर पाठक मौके से फरार हो गए तथा उसकी पत्नी 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी, जिस पर 112 PRB तथा 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा सूचना मिलने पर साथ में थाना कौड़िया बाजार के दो सिपाही भी वहां पहुंच गए। अखिलेश के मुंह से अधिक खून जमीन पर पड़ा देख तभी एक सिपाही ने थाना अध्यक्ष को फोन पर सारी बात बताई। थाना अध्यक्ष कौड़िया द्वारा मौके पर आकर उक्त पीड़ित को CSC रुपैरिया भिजवाया, जहां डॉक्टर ने हालात गंभीर देखते हुए उसे तुरंत जिला अस्पताल गोंडा के लिए रिफर कर दिया। उसी एम्बुलेंस द्वारा को सिपाही अखिलेश को लेकर जिला अस्पताल गोंडा पहुंचा तथा अखिलेश को बिना कोई उपचार की व्यवस्था कराए ही बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए। बेचारा अखिलेश पूरी रात घायल अवस्था में अस्पताल में तड़पता रहा तथा उसका सुनने वाला कोई नहीं निकला। सुबह लगभग 8:30 बजे घायल का भाई जब सूचना मिली अस्पताल पहुंचा तब उसे भर्ती करवाया गया तथा उसका इलाज शुरू हुआ। घटना के 4-5 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कौड़िया पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे थक हार कर पीड़ित पुलिस अधीक्षक गोंडा, पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन मंडल गोंडा तथा जिला अधिकारी महोदय को डाक के माध्यम से अवगत कराया है।